Good morning, students. Then our same lesson, force and the laws of motion. ये lesson हम कर रहे थे. इस lesson के अंदर कल हमने कुछ NCERT के questions भी किए थे और कुछ numericals भी किए थे. आज उसी lesson को आगे हम continue करेंगे और उसके NCERT के questions आज हम करेंगे. So generally जो ये lesson है फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन, इस लेसन के अंदर जो जो टर्म्स यूज हो रही हैं उन्हीं के बारे में जस्ट एक रिकैप कर रहे हैं ताकि वो सारे फार्मूले आज भी यूज होंगे जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, तो उनका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, हाउ दीज लॉज विल बी एप्लीकेबल, हाउ दीज फार्मूलाज विल बी एप्लीकेबल, दैट विल सी. मोमेंटम की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन. एज इट इज आपने फर्स्ट लेसन में स्टूडेंट पढ़ा था लेसन वन में कि द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इट इज एक्सेलरेशन. नेक्स्ट है हमारा न्यूटन का जो सेकंड लॉ हमने किया था, फिजिकल टू एम इनटू ए, ये इक्वेशन भी स्टूडेंट हमने ड्राइव की थी. उसके बाद में इंपल्स के बारे में मैंने बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग दी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर रहे थे. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर रहे थे स्टूडेंट, तब मैंने आपको इंपल्स के बारे में बताया था एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ हमने फर्स्ट लॉ को भी हमने स्टेटमेंट उसका प्रूव किया था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा कब तक, अनटिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ये हमने किया था. और इंपल्स के बारे में भी हमने देखा था, देयर इज अ सडनली चेंज इन द मोमेंटम, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मोमेंटम फॉर दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, दैट इज कॉल्ड द इंपल्स. और स्टूडेंट्स थर्ड जो हमारा लॉ था न्यूटन का थर्ड लॉ, वो भी हमने ऑलरेडी उसमें हमने डेरिवेशन भी मैंने आपको कराया था, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम. और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन There is an equal and opposite reaction. उसमें हमने प्रूव किया था एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू, और इसी को हमने लेके एफ इज इक्वल टू माइनस एफ टू को हमने न्यूटन जो अपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया था, दैट वॉज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों हमने जब प्रूव किया था बाई यूजिंग द न्यूटन थर्ड लॉ एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू. इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम इन सभी जो है मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, इंपल्स है, एंड व्हाट एवर द दीज फार्मूलाज आर देयर इन दिस लेसन, दैट बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज हम आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, आगे फर्दर कंटिन्यू. कल मैंने फोर्थ क्वेश्चन तक करा दिए थे, फोर और फाइव, आगे उसी का मैं आगे कंटिन्यूएशन करा रहा हूँ. तो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन on page number 128. Now student, आपका NCERT का next question है, that is your question number 5. NCERT का question number 5 है, a truck starts from the rest. Truck starts from the rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travel a distance of 400 meter in 20 second. Find the acceleration, find the force acting on it if mass is 7 metric ton. Student, उसने hint में क्या दिया हुआ है? 1 metric ton is equal to 1000 kg. This is the statement of the question number 5.
page number 128 of your NCERT. Now student, question number 5 में हमारे को क्या क्या दिया हुआ है? Then truck start from the rest. उसकी जो initial velocity दी हुई है, that is the initial velocity. It is given as a zero. It is given as a zero. और क्या दिया हुआ student? Then rolls down a hill with a constant acceleration, travel a distance of 400 meter. Mass पहले तो उसका क्या दिया हुआ है? Then distance दिया हुआ है student. S is equal to 400 meter. और आपके पास time दिया हुआ है. कितना time लगता है उसको? That it is equal to then 20 second. आपको S दिया हुआ है, T दिया हुआ है, U दिया हुआ है और स्टूडेंट आपको मास भी दिया हुआ है. मास ऑफ ट्रक इट इज इक्वल टू 7 इंटू मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू 7000 kg. नाउ स्टूडेंट यू हैव टू फाइंड आउट द ए को फाइंड करना है और हमने एफ के बाद एफ को फाइंड करना है. वी हैव टू कैलकुलेट ए एंड एफ इन दिस क्वेश्चन. ए और एफ को हम एक्सेलेरेशन और फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है. सो वील यूज द फार्मूला. हमारे पास तीनों इक्वेशन हमको पता है जो हमने फर्स्ट में किया था लेसन फर्स्ट में. पहला इक्वेशन स्टूडेंट क्या था? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. और थर्ड इक्वेशन V स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2 AS. नाउ स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन वील यूज सेकेंड इक्वेशन क्योंकि U दिया हुआ है हमारे पास, S भी है, डिस्टेंस दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, 1/2 तो कांस्टेंट है, ए हमने कैलकुलेट करना है. सो इन द सेकंड इक्वेशन देयर आर फोर वेरिएबल्स आर देयर. फोर वेरिएबल्स हैं यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4. फोर में से तीन तो नोन है, फोर्थ हमको कैलकुलेट करना है. सो वील यूज दिस इक्वेशन. नाउ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. वैल्यू रख दीजिएगा स्टूडेंट. एस की वैल्यू है 400, 0 इंटू 20 प्लस 1/2 इंटू ए एंड 20 का स्केयर. 400 0 से 0, 1/2 इंटू ए इंटू 20 इंटू 20. 2 से कट कर लीजिएगा, दैट इज अ 10. 400 इज इक्वल टू that 400 is equal to it is a 200 a. it is a 200 a. aur a ki value student kya aa jayegi? 400 divided by 200, it is equal to 2. so a is equal to 2 meter per second square. is it clear? we have calculated the humne student calculate kiya hai acceleration. acceleration has come 2 meter per second square. Now we want to calculate the value of F. अभी हमको F की value निकालनी है by using this formula. हम use करेंगे F. इसलिए student क्या था कि मैंने सबसे पहले formula लिख दिए थे starting में कि F is equal to M into A. because ये formula किसी ना किसी room में use में आएंगे. तो आपको सारे के formula आपको learn करने हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. सो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. एफ हमको कैलकुलेट करना है. मास हमको दिया हुआ स्टूडेंट 7000 और ए की वैल्यू है 2. इट इज 14000 न्यूटन. सो योर आंसर इज अ 14000 न्यूटन. दिस इज अ योर एनसीआर. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ऑफ दिस. जल्दी से मैं दोबारा देख लीजिएगा स्टूडेंट. एक ट्रक है, रोल डाउन कर रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0 और डिस्टेंस कितना है 400. डिस्टेंस कितना है 400 मीटर. टाइम है 20 सेकेंड. मास दिया हुआ है 7 मीट्रिक टन. 7 इंटू 1000 इट इज 7000 kg. एक्सेलेरेशन और फोर्स को आपको मालूम करना है. विल यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बाय यूजिंग दिस इक्वेशन
Now we'll put the values of S की value रख देंगे, U की value रखेंगे, T की value रख देंगे and we will calculate the value of A. हम A की value को calculate करेंगे यहां से. By solving this, the value of A has come 2 meter per second square. Now A की value student हमारे पास आ गई, that is a 2 meter per second square. अब formula हमारे को ये भी मालूम है, F is equal to M into A. M हमारे पास दिया हुआ 7000 kg. मैंने 7 मीट्रिक टन को 1000 से मल्टीप्लाई किया, इट हैज बिकम 7000 kg मल्टीप्लाई विद द 2, देन आंसर इज अ 14000 एंड द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन. स्टूडेंट कोई भी आप न्यूमेरिकल करेंगे मस्ट राइट द यूनिट SI यूनिट ऑफ दैट. आपको SI यूनिट को लिखना ही है, बिना SI यूनिट के आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो हमेशा यूनिट जरूर लिखने हैं आपको. सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6. यू कैन नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 5. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पेज 128. क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक. एक लेक है, वहां पे कोई भी जो है एक स्टोन को फेंकते हैं और 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, मास उसका है 1 kg एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस. स्टूडेंट अब यहां पे वो पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्या पूछ रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जनरली एक बात है मैं कर रहा हूं आपसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, जैसे ही हमारे पास ये आता है वर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जनरली हमको ऐसा लगता है कि नेगेटिव फोर्स है. तो इसमें हमारे को क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? हमारे को मास दिया हुआ है स्टोन का 1 kg दिया हुआ है, हमारे को उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है स्टूडेंट, इट इज गिवन एज अ 20 मीटर पर सेकेंड. और क्या दिया हुआ है? देन इट हैज इट कम्स टू रेस्ट, मींस बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है? 0 meter per second. और क्या दिया हुआ है? देन एस दिया हुआ है 50 meter. एस दिया है 50 meter. आपको कैलकुलेट जो क्या क्या करना है, एफ कैलकुलेट करना है और ए कैलकुलेट करना है. नाउ स्टूडेंट हमारे को मास दिया हुआ है दैट इज 1 kg, हमारे को इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है दैट इज 20 meter per second, इट इज गिवन एज 20 meter per second. फाइनल वेलोसिटी इट हैज कम टू, इट कम्स टू रेस्ट, देन फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0. एस हमारे पास दिया हुआ है 50 meter. वी हैव टू कैलकुलेट दी एफ एंड ए, फोर्स और एक्सेलरेशन को मालूम करना है. तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ये तीनों इक्वेशन में से कोई ना कोई इक्वेशन यूज जरूर होती है ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में. पहली इक्वेशन यहां लिख लीजिएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरी इक्वेशन अभी जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज की है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. नाउ स्टूडेंट विल यूज दिस इक्वेशन, इस क्वेश्चन में हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे. हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 0, हम ये फार्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v कितना है? 0 का स्क्वायर. u आपको दिया हुआ है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a आपको कैलकुलेट करना है, s की वैल्यू 50. अप टू दिस स्टूडेंट हमने न्यूटन, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी
जो मोशन जो लेसन था उसमें जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने इस इक्वेशन को यूज किया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इस इक्वेशन में सिर्फ मैंने वैल्यू रख दी है, v की वैल्यू रखी है, u की वैल्यू रख दी है मैंने, s की वैल्यू रखी है और a की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहां से जीरो का स्क्वायर जीरो है, माइनस 20 का स्क्वायर इट इज 400 इंटू 2 इंटू 50 इंटू ए, यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस 400 इज इक्वल टू 100 ए। नाउ ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ए इज इक्वल टू 400 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 100 इट इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 100 विद द माइनस साइन, इट इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलेरेशन, माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ एक्सेलेरेशन, ए इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अगर हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एफ की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम हमारे को दिया हुआ है इट इज अ 1 केजी और ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस 4, तो इट इज इक्वल टू माइनस 4 न्यूटन। सो स्टूडेंट मैंने बताया था आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में वो पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैंने बताया था कि आपको फ्रिक्शन का मतलब है नेगेटिव फोर्स, इसका मतलब ये अंडरस्टूड था क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इट वॉज वेरी वेरी अंडरस्टूड कि हमारा आंसर माइनस में आएगा क्योंकि वो क्या पूछ रहा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा था। नाउ आंसर इज अ माइनस 4 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फॉरवर्ड फोर्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यू कैन नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 800 केजी इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। यहां पे स्टूडेंट सिचुएशन ऐसी दी हुई है, एक और यहां पे एक इंजन कर लेते, ये एक कोच है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। सिचुएशन ऐसा है स्टूडेंट, एक इंजन है, 5 उसके कोचेज हैं और बॉगीज हैं, दे आर कनेक्टेड टू द इंजन, दे आर कनेक्टेड टू द इंजन। 8000 केजी इंजन, जो इंजन का मास दिया हुआ है इट इज 8000 केजी। नाउ पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 2000 केजी, मास ऑफ द वैगन दैट इज इक्वल टू 2000 kg, mass of the engine is given 800 kg and mass of the wagon is given as a 2000 kg along the horizontal track. If the engine exert force of 40,000 newton, engine jo force karta hai 40,000 newton ki force lagata hai and the ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन ऑफ, फ्रिक्शन कितना ट्रैक ऑफर करता है, फ्रिक्शन बाई द ट्रैक
ट्रैक जो फ्रिक्शन करता है इट इज 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन। देन कैलकुलेट द, हमको स्टूडेंट इसमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला क्या कैलकुलेट करना है, नेट एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रेन, हमको ए मालूम करना है। उसके बाद में द एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रेन, द एक्सेलेटिंग, पहले तो एक हमको एक्सेलेटिंग फोर्स मालूम करनी है, उसके बाद में एक्सेलेरेशन मालूम करना है, द फोर्स ऑफ द वैगन वन ऑन द वैगन टू, जो वन और वैगन और टू के बीच जो फोर्स की मालूम करना है। दिस इज द फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन चीजें हमको मालूम करनी है। देयर विल बी थ्री आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारे पास, हमारे को दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमारे को पहले क्या करेंगे हम, उसको जो नेट जो फोर्स है 40,000 है, 40 में से 5,000 जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। नाउ अभी क्या है कि जो ट्रेन है, द एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रेन, ये हमको मालूम करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रेन, और उसके बाद में यहां पे टोटल कितना दिया हुआ था स्टूडेंट, हमारे को 40,000 दिया था एफ, मगर 5,000 क्या है, फ्रिक्शन है। सो माइनस करेंगे 40,000 में से 5,000 जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज दी द फोर्स विल बी, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000 माइनस 5,000, तो नेट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 35,000 न्यूटन। दिस इज दी फर्स्ट आंसर। नाउ मास ऑफ द ट्रेन, टोटल मास कितना है, मास ऑफ द ट्रेन, नाउ स्टूडेंट मास ऑफ द ट्रेन देखिए क्या है, ट्रेन के अंदर क्या है, क्या क्या है, फाइव वैगन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सभी का एक का मास कितना है, 2000 केजी, 5 हैं तो मल्टीप्लाई विद द 5, तो क्या क्या हो जाएगा, 5 वैगन इंटू 2000 प्लस इंजन का भी तो है, इंजन भी साथ में इंक्लूड है ट्रेन में, सिर्फ ट्रेन जो स्टूडेंट सिर्फ वैगन से नहीं चलती, ट्रेन के साथ इंजन भी है, विच इज ऑफ 8000 केजी। तो टोटल मास ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 5 इंटू 2000 प्लस 8000, इट इज 18,000 केजी। नाउ फार्मूला हमारे पास है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम हमारे पास दिया हुआ है 18,000, और एफ की वैल्यू आपने निकाली है 35,000 इंटू ए। ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू दैट इज 35,000 डिवाइडेड बाई 18,000, नाउ इट इज 35/18 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलेरेशन, वैल्यू ऑफ द एक्सेलेरेशन इज आर 1. दैट इज आर, इट इज इक्वल टू 1.94 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द आंसर्स, ए की वैल्यू हमने निकाल दी है 1.94 मीटर पर सेकेंड, 35,000, और इट इज कैलकुलेटेड द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 8, an automobile vehicle has mass 1500 kg, जो हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जो व्हीकल है उसका मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ स्टूडेंट, मास इज गिवन एज अ 1500 kg, मास इज गिवन एज अ 1500 kg. नाउ व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड? फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स. हेलो, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास 1500 kg. व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलेरेशन 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? This is the statement of your question number 8. Question number 8 की student, ये statement है, आपको mass दिया हुआ है, mass is given as a 1500 kg, force आपको निकालनी है, then A आपको दिया हुआ है, A it is given as a -1.7 meter per second square. Now student, very simple question, F is equal to M into A. F की वैल्यू निकालनी है, M की वैल्यू आप रख दीजिएगा 1500 इंटू मल्टीप्लाई विद द 1.7 मीटर पर सेकंड, बाद में आप माइनस का साइन लगा दीजिएगा. दैट नाउ टोटल इफ यू विल कैलकुलेट दिस मल्टीप्लाई, जब आप करेंगे आप सिंपल कर लीजिएगा सॉल्व इसको, 1500 17/10 कर दीजिएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, दैट इट इज जीरो, 17 0, then 5 and 25, it is newton. 2 with the negative sign, with the negative sign. So your answer will be, now your answer is a -2550 newton. Now question number 9. Question number 9 mein student, aapke paas diya hua hai. What is the momentum of the object M moving with the velocity of V? मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले, आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मैंने कुछ फार्मूले स्टूडेंट लिख दिए थे. उन फार्मूलों में मैंने सबसे पहले लिखा था मोमेंटम का फार्मूला, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. तो फार्मूला क्या है, एम इंटू वी, एम वी इज अ करेक्ट आंसर. सो योर लास्ट वन इज अ डी इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट क्या क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट. एक कोई वुडन कैबिनेट है, दैट मे बी ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप, अक्रॉस ऑन द फ्लोर, अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. हमारे को दिया हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में, ये कोई वुडन का ब्लॉक है, वी आर अप्लाइंग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू द, दैट फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन. और क्या करते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, नीचे की तरफ इसका वेट है, उसके कारण से
जितना ये हैवी होगा ब्लॉक उतनी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी. नाउ फ्रिक्शनल फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दी फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए क्या है स्टूडेंट, सिर्फ इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट से आंसर आएगा कि ये ब्लॉक कब मूव करेगा. सोचने वाली बात है, अगर इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं 200 न्यूटन का और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए और ये वाली फोर्स कितना होना चाहिए स्टूडेंट. नाउ माय आंसर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स शुड ऑलवेज बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट इज शुड बी लेस देन द अप्लाइड फोर्स. मीन्स एफ हमारा कितना दिया था 200 न्यूटन था, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए, लेस देन 200 न्यूटन होना चाहिए. दिस इज योर आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टेटमेंट से ही आंसर मैंने निकाला है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा फिर तो ये मूव ही नहीं कर पाएगा. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. वो फ्रिक्शनल फोर्स उससे कम होनी चाहिए, देन इट विल बी इनटू द इफेक्टिव, इट विल प्ले द इफेक्टिव रूल. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ द मास 1.5 केजी आर मूविंग इन द सेम दैट स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन. द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड. द वेलोसिटी ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर. What will be the velocity of the combined object after the collision? Student, दोनों का मास कितना दिया है 1.5 kg are moving in the same straight line but in the opposite direction. तो student ये वाला question में before collision, after collision वाली बात आ जाएगी. दो object दिए हुए हैं, दोनों का मास कितना है, m1 is equal to 1.5 kg, m2 भी कितना है, इट इज 1.5 kg. और क्या दिया हुआ स्टूडेंट, जो u1 है हमारे को दिया हुआ है, इट इज u1 इट इज गिवन एज अ 2.5 मीटर पर सेकेंड और u2 कितना है, सेम है बट अपोजिट है, तो इट इज अ u2 इज आल्सो -2.5 मीटर पर सेकेंड. नाउ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, वी नो द फॉर्मूला दैट फॉर द व्हाट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दैट इज m1 u1 plus m2 u2. वैल्यू रख देंगे 1.5, u1 की वैल्यू दी है 2.5 प्लस m2 की वैल्यू 1.5 और u2 की वैल्यू -2.5. नाउ स्टूडेंट ये क्वांटिटी हमारे को और ये इसमें साइन क्या है, माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगी 1.5 इंटू 2.5 माइनस साइन 1.5 इंटू 2.5 ये क्वांटिटी और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी. आंसर इज अ जीरो, आंसर इज अ जीरो. नाउ स्टूडेंट द मास आफ्टर कोलिजन,
टोटल मास टोटल मास आफ्टर द कोलिजन m1 प्लस m2 इट इज 1.5 प्लस 1.5 इट इज इक्वल टू 3 kg. इट इज इक्वल टू 3 kg. नाउ आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी कितनी? आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है दैट इट इज अकॉर्डिंग टू दैट द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम. तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हमने स्टूडेंट निकाला था? 0 इज इक्वल टू 3 इंटू मास कितना है? 3. और वी हमको कैलकुलेट करना है तो यहां से वी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0. वी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी स्टूडेंट? इट इज 0. दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11. बाकी स्टूडेंट आप जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के आप खुद करना, और कोई भी जो